Hello, hello, hello all students. Welcome you all on the Unacademy Studios Placebo platform. Myself, Harshit Jhalani, your mentor for chemistry. Today we are going to discuss about guys carboxylic acids ke baare mein aaj apan discuss karne wale hain carboxylic acids and preparations ke baare mein. Theek hai, ye ek bahut important hai, carbonyl compounds ka hi part hai, jaise aldehyde ketone apan already padh chuke hain, to carboxylic acids bhi usi mein se bahut important ek आपका फंक्शनल ग्रुप है जिसको आपको पढ़ना है जो बहुत अच्छा है बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है गाइस सो दिस इज 2 PM माय टाइमिंग्स ऑन यूट्यूब एट 2 PM आई एम लाइव फॉर यू एट एनसीईआरटी समरी कोर्स एंड एट 5 PM वी आर गोइंग टू हैव मैशअप क्वेश्चन सीरीज ठीक है एंड व्हाट दीज आर द क्रैश कोर्सेज व्हिच इज द करंटली बीइंग लाइव आपको बहुत सारे एजुकेटर्स मिलेंगे यहाँ प्लस प्लेटफॉर्म पे जिनसे आप पढ़ सकते हैं ऐसा ही नहीं हमसे ही पढ़ना है यू विल गेट द बेस्ट एजुकेटर्स इन द प्लस प्लेटफॉर्म आप जैसे ही अपना स्टार्ट लेते हैं आप जैसे ही प्लस प्लेटफॉर्म पे आते हैं एंड यू कैन हैव एक्सेस फॉर ऑल द वीडियोस ऑल द लाइव सेशंस ऑल द प्री रिकॉर्डेड वीडियोस प्लस PDF नोट आपको सब चीजें मिल जाएंगे जैसे क्विजेज एंड टेस्ट होंगे वहाँ पे प्लस डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे प्लस लाइव क्लासेस होगी विद पर्सनलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंस के साथ मतलब हर एक चीज मिलेगी बस आपको आना है और पढ़ना है एंड गेट रेडी फॉर इट देन यू हैव अन अकेडमी व्हाट यू नीड टू डू यू नीड टू इंस्टॉल द अन अकेडमी लर्निंग ऐप आप इस ऐप को जैसे ही इंस्टॉल करेंगे इंस्टॉल करने के बाद आपको जाना है गेट सब्सक्रिप्शन पर गेट सब्सक्रिप्शन पर जाने के बाद यू हैव टू Go for 6 months plan that is important and now it will cost you 21,600 if you are going to use my code HJLive you आपको मिल जाएगा हाँ तो हाँ 10% discount ठीक है 10% discount आपको मिल जाएगा guys and this is 12 months plan this is 12 months plan that will cost you 30,000 and if you are going to use my code you will get 10% discount and now the course we will reduce to 27,000 guys. Now, if you are going to have this 2 years plan, that will cost you 48,000. And if you are going to use my code HJLive, me teaching there live to you all. Now, the course we will reduce to 43,200, guys. So let us see what we are going to have. This is from the NCERT extract. जैसा मैंने कहा था आपको सब पूरा NCERT भी cover होगा. ठीक है. तो सबसे पहली चीज कार्बोनिलिक कंपाउंड की नॉमेनक्लेचर नाम कैसे रखेंगे इसका नामकरण कैसे करेंगे और इसका स्ट्रक्चर क्या होगा तो सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच जो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच जो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड जो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है ठीक है यहाँ इस फंक्शनल ग्रुप पे क्या होगा यहाँ इस फंक्शनल ग्रुप पे ये होगा बच्चों इसको नाम बोलते हैं इसको बोला जाता है ओइक एसिड इसका सफिक्स होता है ओइक एसिड इज द सफिक्स फॉर इट ओइक एसिड इसका सफिक्स होता है एंड द प्रीफिक्स फॉर दिस वन इज व्हाट इफ वैसे तो आएगा नहीं बिकॉज इट इज व्हाट योर हाईएस्ट डिग्री होता है इसका ठीक है एंड डायरेक्टली आप कार्बोक्सिलिक एसिड यूज कर सकते हैं जैसे कि ये यहाँ पे टेबल प्रेजेंट है ठीक है देखिए ये यहाँ पे टेबल प्रेजेंट है ठीक है दिख रहा है आप सभी को जैसे जैसे एक एक करके अपन इनके फॉर्म कॉमन नेम भी है बहुत फेमस एसिड है फॉर्मिक एसिड आंट्स में प्रेजेंट होता है ठीक है इसका IUPAC नेम मिथेनोइक एसिड ऐसे ही CH3CH2OH प्रोपेनोइक ठीक है मेन इंपॉर्टेंट यहाँ से बच्चों स्टार्ट होता है आपका ठीक है तो ऑक्सैलिक एसिड मेलोनिक एसिड इनको शॉर्ट फॉर्म में आप ऐसे भी याद रख सकते हैं ओम्स गैप नेक्स्ट वाला P आ जाएगा ठीक है इसका जस्ट नेक्स्ट नंबर CH2 होल 5 इसका कह रहा हूँ इस ये वाला नहीं है ठीक है इसका जो नेक्स्ट मेंबर आएगा इस वाले का इस वाले का जो नेक्स्ट मेंबर आएगा जैसे आप CH2 देखो ना एक एक करके CH2 बढ़ रहा है इन दोनों के बीच में ठीक है भाई यहाँ पे CH2 कितने हैं 0 है यहाँ पे कितना हो गया 1 हो गया यहाँ पे कितना हो गया 2 हो गया
यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया. अब जो फिफ्थ वाला आएगा उसका पी होता है, पी से नाम होता है, ठीक है. सो ओम्स गैप इज द मीन्स लर्निंग ट्रिक, यू कैन गॉट इट. एंड फटाफट से आप ऑक्सैलिक, मेलानिक, सक्सेनिक, ग्लूटारिक, एडिपिक, ठीक है, ये सब आप ध्यान रख सकते हैं और बता सकते हैं. सो दिस वन इज इम्पॉर्टेंट वन गाइज, इसको ध्यान से देखो इसका नाम कैसे करा गया है इन्होंने. देखो यहाँ पे ये है CH2, ये है COOH, CH अगेन यू हैव COOH और CH2 अगेन यू हैव COOH, ठीक है. सो प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड. आप सोचो किसी भी एक को प्रायोरिटी मान लोगे, प्रायोरिटी किसी एक को भी दे दोगे तो दूसरा वाला बुरा मान जाएगा. प्रायोरिटी अगर आपने किसी एक को दे दी तो दूसरा वाला बुरा मान जाएगा, ठीक है, तो वैसे काम नहीं चलेगा. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट टू यू गाइज. दैट इज इन कार्बोक्सिलिक एसिड व्हाट वी आर गोइंग टू हैव द बॉन्ड्स ऑफ द कार्बन, मतलब कि ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा. sp2 दिख रहा है सभी को, sp2 हाइब्रिडाइजेशन दिखेगा बिकॉज कार्बोनाइल कंपाउंड है ना यार. तो कार्बोनाइल कंपाउंड है तो सी डबल बॉन्ड ओ तो होगा ही, तो दो जगह तो इन्होंने घेर ली, बस दो वैलेंसी बची, तो हमेशा sp2 ही होना वाला है हाइब्रिडाइजेशन. उसके अलावा तो कुछ होने वाला है नहीं, है ना, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है. देन बॉन्ड्स टू द कार्बोक्सिलिक एसिड लाइज इन वन प्लेन. ठीक है, सो यहाँ पे वैसे के वैसे ही कार्बन पे है जो इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक. कार्बन को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज होगा. एंड सेम हियर व्हाट यू हैव गाइस, बट यहाँ पे एक अच्छा सा फिनोमेना हो रहा है, देख रहे हो आप दोनों जगह से, कि यहाँ पर ये जो नेगेटिव चार्ज है इधर से उधर घूम रहा है, रेजोनेंस में हो सकता है ये कार्बन ऑक्सीजन, ये इधर तो ये इधर, ये भी रेजोनेंस में इसके साथ, ये भी रेजोनेंस में इसके साथ, ठीक है. दोनों ऑक्सीजन रेजोनेंस में पॉसिबल है, यहाँ पर पॉसिबिलिटी है उन दोनों ऑक्सीजन की रेजोनेंस में आने की गाइस, ठीक है. सो लेट अस कम टू द प्रिपरेशन. प्रिपरेशन कैसे करी जाती है, सो भाई सिंपल सी बात है, अल्कोहल को माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से करोगे तो कहां तक रिएक्शन रुक जाएगी बताओ. अल्कोहल को अगर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ करोगे तो कहां तक रिएक्शन रुक जाएंगी. अल्कोहल विद माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे ही करोगे तो एल्डिहाइड तक रिएक्शन रुक जाएगी. फिर अल्कोहल को अगर आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लो, अल्कोहल का आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लो अगर गाइस, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KMnO4 इन एसिडिक मीडियम, अल्कलाइन KMnO4, तो सीधा पहुंचा देता है हाईएस्ट डिग्री ऑफ, मतलब जहां तक ऑक्सीडेशन हो सकता है मैक्सिमम वहां तक आपका हो जाएगा ऑक्सीडेशन, कोई दिक्कत वाली ही बात नहीं है, ठीक है. सो जैसे जहां पे ऑक्सीडेशन हो गया, जैसे यहाँ पे करा आपने अल्कलाइन KMnO4 के साथ HCO+ के साथ ये करा है, तो ये क्या हो गया, RCOH हो गया. सेकंड ये है, सो अब CrO3 H2SO4 जोन 3 एजेंट के साथ ये वापस से हो गया, OH का क्या बना दो, COH. कार्बन काउंट चेंज नहीं होगा, है ना, ध्यान रखना, कार्बन काउंट विल बी सेम, कार्बन काउंट विल बी सेम. देखो RC है, यहाँ पे भी RC है, बस फंक्शनल ग्रुप जो होगा वो डिफरेंट आ जाएगा. OH की जगह क्या आ जाएगा, COOH आ जाएगा, दैट इज द थिंग, ठीक है बच्चों. नेक्स्ट फ्रॉम अल्काइल बेंजीन्स, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन बच्चों, ये तो बहुत ज्यादा पूछी जाने वाली रिएक्शन है ना, एरोमेटिक कंपाउंड से. भाई KMnO4 डाल दो या क्रोमिक एसिड डाल दो, अल्काइल बेंजीन विद क्रोमिक एसिड और एसिड और अल्कलाइन KMnO4, जितनी भी इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइड चेन इज ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेंथ, कितनी ही लेंथ हो. देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, ठीक है. प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइल्ड टर्शरी इज नॉट इफेक्टेड, वाइल्ड टर्शरी इज नॉट इफेक्टेड, ये ध्यान रखें. मतलब कि अगर मैं ये बनाऊं,
ठीक है, अगर मैंने ये बनाया और आप इसको KMnO4 के साथ KOH के साथ हीट कर रहे हो, KMnO4 और KOH के साथ इसको क्या कर रहे हो अपन, हीट कर रहे गाइस, ठीक है। सो KMnO4 KOH के साथ जैसे हीट करो तो ये रिएक्शन नहीं देगा, बिकॉज ये ध्यान रखना हमेशा कि जब भी आपके पास यहाँ CH3 ग्रुप है तो यहाँ पे इसके पास अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए, बिकॉज दिस इज अल्फा कार्बन, द कार्बन विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द बेंजीन रिंग। तो ये कार्बन जो कि बेंजीन रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड है, दिस कार्बन इज नोन एज व्हाट, योर अल्फा कार्बन, ठीक है। सो अल्फा कार्बन के वही हाइड्रोजन क्या हो गए, अल्फा हाइड्रोजन हो गए, उससे जो कनेक्टेड हाइड्रोजन है वही हाइड्रोजन क्या हो गए, अल्फा हाइड्रोजन हो गए, ठीक है। तो ये जो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है बच्चों, ये क्या होने चाहिए, इट मस्ट बी नेसेसरी टू गेट इट ऑक्सीडाइज्ड, जैसे यहाँ पर है, ठीक है, जैसे अल्फा कार्बन ही है, ये अल्फा हाइड्रोजन है इसके, ठीक है, बिकॉज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द बेंजीन रिंग, दिस कार्बन इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू व्हाट, योर बेंजीन रिंग। और जैसे ही आपने यहाँ से हीट करा, इसके साथ रिएक्शन करी, तो ये बना दिया CO के, एंड देन हाइड्रोलिसिस पे पहुंच गया COOH तक। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट देखिए, hydrolyzed to amides and then this is hydrolyzed to amides and then acids in presence of S plus or OH minus and this reaction can be stopped to this stage only by using the what, mild reactions conditions are used to stop the reactions at the amide stage, yahan pe hi ruk jayegi ye amide jo banayenge pe, theek hai, agar aapne strong nahi liya hai to, that's why। सो RCN है, RCN जैसे H plus OH minus के साथ react हुआ, RCONH2 सभी को पता है, N H plus के साथ heat कर दो तो मतलब NH2 गायब हो गया, RCOH बन गया, सीधा सा बात ये है, NH2 गायब, RCOH सीधा। तो बच्चों ये देखो, एक आपको preparation method मिल गया है direct, कौन सा मिला है, कोई पूछे कि बेंजोइक एसिड कैसे बनाया जाता है, तो यही तो है, और मैं बोलूं टॉलिन से बनाना है भाई मुझे, तो टॉलिन से, तो टॉलिन से कैसे बनाओगे बेंजोइक एसिड, टॉलिन से बताओ, अभी जस्ट पढ़ा था KMnO4, ठीक है, OH माइनस बेसिक मीडियम सीधा बना देगा ये व्हाट, COOH, करेक्ट, दिस इज द ग्रिगनार्ड रिएजेंट, देखो ग्रिगनार्ड रिएजेंट तो पीछे नहीं छोड़ेगा, ग्रिगनार्ड रिएजेंट तो हर जगह आएगा ही आएगा, सब जगह आने वाला है ग्रिगनार्ड रिएजेंट तो। सो इट रिएक्ट्स विद कार्बन टू फॉर्म सॉल्ट्स ऑफ व्हाट, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, विच इन टर्न गिव करेस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड्स आफ्टर एसिडिफिकेशन विद मिनरल एसिड्स, ठीक है, दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग यू नीड टू नो। डायरेक्ट है RMGX, RMGX का R यहाँ पे अटैक करेगा C के, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे ये ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है, न्यूक्लियोफिलिक यहाँ पे अटैक करेगा बिकॉज कार्बन पे यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, why, due to both have oxygen as a negative, due to यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, ऑक्सीजन के ऊपर क्या कौन सा चार्ज आ रहा है, नेगेटिव चार्जेस आ रहे हैं, एंड देन फाइनली RC डबल बॉन्ड O MgX एंड HCO प्लस एंड RCOOH, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एसिड क्लोराइड्स व्हेन हाइड्रोलाइज्ड विद वाटर गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड्स और मोर रैपिडली हाइड्रोलाइज्ड विद एक्वस बेस टू गिव कार्बोक्सिलेट आयन व्हिच ऑन एसिडिफिकेशन प्रोवाइड करेस्पोंडिंग कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एनहाइड्राइड्स ऑन द अदर हैंड आर हाइड्रोलाइज्ड टू करेस्पोंडिंग एसिड्स एंड वाटर विद वाटर, ठीक है, मींस RCOCl का डायरेक्ट हाइड्रोलिसिस करो RCOOH पाओ, अगर कोई डिफरेंट मीडियम होगा तो RCO में माइनस की तरह रुकेगा रिएक्शन, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे भी है, बेंजोइक एसिड का भी करोगे, बेंजोइक एनहाइड्राइड का भी करोगे, वो भी बेंजोइक एसिड बनाने वाला है, बेंजोइक इथेनॉइक, मतलब ये दो तरीके के डिफरेंट एनहाइड्राइड, मिक्सचर ऑफ एनहाइड्राइड है ना, दो अलग अलग ग्रुप्स हों, करेक्ट।
सो ये भी क्या बनाने वाला है यहाँ पे, ये भी यहाँ पे आपको क्या देने वाला है, बेंजोइक एसिड और इथेनोइक एसिड, सीधा हाइड्रोलाइसिस पे दोनों अलग अलग हो जाते हैं, मतलब स्प्लिट हो जाता है यार, सीधा सा बात ये है, करेक्ट स्प्लिट हो जाएगा ना। ओ अब देखो यहाँ पे पीएच सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ पीएच, अब इसको स्प्लिट करना है आपको, ठीक है। हाइड्रोलिसिस कैसे करोगे, हाइड्रोलिसिस करने का ये सिंपल सा तरीका है, एच और ओ एच आए दोनों को एक एक दे दो, दोनों कार्बन हो गया काम, ठीक है। ये वाला ये हो गया वाटर के साथ और ये वाला ये, तो दोनों ने सेम मॉलिक्यूल जनरेट कर दिया, तो टू मोल्स ऑफ पीएचसीओएच बन जाएगा। देन यू हैव अ वेरी फेमस रिएक्शन फ्रॉम एस्टर्स, दैट इज जैसे ही एस्टर्स का हाइड्रोलिसिस करोगे ऑन, भाई ये तो होने भी वाले हैं अल्कोहल, एस्टरीफिकेशन का रिवर्स है ये, तो देखो ना ध्यान से क्या बना है, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल, अल्कोहल एज अ फंक्शनल ग्रुप, और इन दोनों को वापस ऐड करोगे तो यू विल गेट द एस्टर, अगेन सेम सी एस सी सी ओ ने एन सी टू एच फाइव ओ एच, ठीक है। चलिए नाउ यू जस्ट सी द रिएक्शंस हियर, व्हाट आर द एग्जांपल्स व्हाट यू आर गोइंग टू हैव टू स्टडी हियर, ध्यान से देखिए, राइट केमिकल रिएक्शंस टू अफेक्ट द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन, ब्यूटेन वन ऑल टू ब्यूटेनाइक एसिड, बेंजाइल अल्कोहल टू फिनाइल इथेनोइक एसिड, थ्री नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन टू थ्री नाइट्रो बेंजोइक एसिड, फोर मिथाइल एसिटोफिनोन टू बेंजीन 1.4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, साइक्लोहेक्सेन टू हेक्सेन 1.6 डायोइक एसिड, ब्यूटेनल टू ब्यूटेनोइक एसिड। ये सारे एग्जांपल्स हैं जिनको आपने करना है, जिनको आपने करना है, ठीक है ठीक है। सोचिए सोचिए जल्दी, ये एनसीईआरटी का इंटेक्स्ट है ना, इसकी भी आप लोग कह रहे थे कि सर इंटेक्स्ट भी सॉल्व कराओ, इंटेक्स्ट भी लाओ, इंटेक्स्ट भी लेकर आओ, तो वो भी लाया मैं आप लोगों के लिए। सोचिए, सो सबसे पहले ब्यूटेन वन ऑल को ब्यूटेनाइक, मतलब अल्कोहल को आपको सीओएच में कन्वर्ट करना है, ठीक है। बेंजाइल अल्कोहल को फिनाइल इथेनोइक एसिड, मतलब एक कार्बन बढ़ा के आपको सीओएच लगाना है, और थ्री नाइट्रो बेंजोइक ब्रोमो बेंजीन को, तो ये देखिए इनके कन्वर्जन कैसे करते हैं, आप लोग करिए, पॉज करिए वीडियो गाइस, पॉज करने के बाद आप लोग खुद से बना के देखिए, बिकॉज ये कन्वर्जन्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आपके कन्वर्जन्स है ना क्या करते हैं, आपकी सारी रिएक्शंस जो आपके दिमाग में चल रही हो ना, जो आपने पढ़ी हो, वो आने लग जाती है, सारी की सारी रिएक्शंस का रिवीजन होने लग जाता है। ये कन्वर्जन बेस्ट है इफ यू आर डूइंग दिस एग्जांपल्स ऑफ कन्वर्जन, बिकॉज कन्वर्जन्स क्या है, आपके सारे रिएक्शंस यूज करने वाले हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ रिएक्शंस, मतलब जो छोटी सी छोटी रिएक्शन भी काम आ सकती है, इट्स नॉट लाइक दैट कि कोई पर्टिकुलर नेम रिएक्शन ही काम आने वाली है या पर्टिकुलर कोई छोटे यही रिएक्शन काम आने वाली है, ऐसा नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन यू दैट हाउ कैन यू कन्वर्ट, ठीक है, विद द सुटेबल रिएजेंट टू द ब्यूटेन वन ऑल टू ब्यूटेनोइक एसिड। तो देखिए सो ब्यूटेन वन ऑल टू ब्यूटेनोइक एसिड, तो यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यहाँ पे ये क्या है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ब्यूटेन वन ऑल से क्या बनाया ब्यूटेनोइक एसिड बनाया, ठीक है। CH3 CH2 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 OH बनाया, और जैसे आपने इसको ऑक्सीडाइज करा क्या बन गया COH बन गया, ठीक है, जो क्या है आपका ब्यूटेनोइक एसिड है। जैसे ही बेंजाइल अल्कोहल लिया, जैसे ही बेंजाइल अल्कोहल लिया, यहाँ क्या बनाया, यहाँ पे क्या ले लिया, ऐड कर दिया बेंजाइल ब्रोमाइड ले लिया, और यहाँ पे जैसे ही बेंजाइल ब्रोमाइड है बीआर की जगह क्या लगा दिया सीएन लगा दिया, सीएन का हाइड्रोलिसिस तो बचपन से याद है, सीएन का हाइड्रोलिसिस क्या देगा सीओएच, तो ये बन गया, ठीक है भाई। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो फर्स्ट रिएक्शन पड़ी थी, ये तो फर्स्ट रिएक्शन ही है ना, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज कर लो डायरेक्ट, अल्कोहल को किस में लाके पटक देंगे ब्यूटेनोइक एसिड में। सेकेंड जो ये बेंजाइल अल्कोहल वाली रिएक्शन है, बेंजाइल अल्कोहल बेंजाइल ब्रोमाइड बनाया और बेंजाइल साइनाइड से, और जैसे ही आपने इसको हाइड्रोलिसिस करा फिनाइल इथेनोइक एसिड बन गया, ठीक है।
नेक्स्ट थर्ड वन इज व्हाट यू हैव दिस थ्री नाइट्रोब्रोमोबेंजीन और जैसे यहाँ पे MgBr के साथ रिएक्ट करा है CO2 ट्राइआइस के साथ और आपका ये वापस से क्या बन गया है थ्री नाइट्रोबेंजोइक एसिड। ठीक है भाई MgBr वो तो लग ही सकता है ना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, आपको एक कार्बन बनाना भी है तो CO2 आ गया कार्बन बढ़ाना पड़ेगा ना, तो कार्बन बनाने का सबसे अच्छा उपाय है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और कार्बोनाइल कंपाउंड को देख लो, तो आपका कार्बन भी बन जाएगा आपका काम भी हो जाएगा। ठीक है अब देखो अब अपन को क्या कन्वर्ट करना है बच्चों, 4 मिथाइल एसिटोफिनोन टू बेंजीन 1.4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, साइक्लोहेक्सीन टू वन, देखो साइक्लोहेक्सीन ऐसा दिखता है अपनी जिंदगी में, साइक्लोहेक्सीन से हेक्सेन 1.6 डाइओइक एसिड ये बन गया COH, ये बन गया COH। ब्यूटेनल क्या हुआ CCCCHO2 ब्यूटेनोइक एसिड CCCCOOH ये बन गया, सोचिए अब कैसे कैसे बन जाएगा। ये है CH3 एसिटोफिनोन है यहाँ पे और डाइपोटेशियम बेंजीन 1.4 डाइकार्बोक्सिलेट, तो ये क्या बना देने वाला है बेंजीन 1.4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है क्यों, क्योंकि अल्फा एच है और इररेस्पेक्टिव ऑफ द साइड चेन, ये रहा इररेस्पेक्टिव, बस ये देखा करे वहां पे अल्फा एच हो तो हो जाएगा ऑक्सीडेशन। साइक्लोहेक्सेन से 1.6 डाइओइक एसिड बनाना है, ठीक है 1.6 हेक्सेन बनाना था, सॉरी हेक्सेन बनाना था अपन ने, सॉरी ये बना दिया मैंने साइक्लोहेक्सेन 1.6 बना दिया, सॉरी साइक्लोहेक्सेन बना दिया ये, ठीक है 1.6 डाइओइक एसिड है, तो ये तो Br2 का एडिशन कर CH3 का एडिशन कर दो, CH3 ले आओ कैसे भी, ठीक है और वापस उसका ऑक्सीडेशन करके आ जाएगा, ये वाला कैसे आएगा KMnO4 को, जैसे ही आप H2SO4 की प्रेजेंस में आप हीट करोगे KMnO4 के, हाँ आप जैसे ही H2SO4 की प्रेजेंस में आप हीट करोगे सो यू विल गेट COH बोथ साइड्स। द नेक्स्ट वन व्हाट वी हैव साइक्लोहेक्सीन को अगर आप हीट करोगे तो हेक्सीन 1.6 डाइओइक एसिड बन जाएगा, ब्यूटेनल को लेके आओगे ब्यूटेनल ये आ गया, ब्यूटेनल को लाने से अमोनिकल HgNO3 लाओगे और ये बन गया ब्यूटेनोइक एसिड फाइनली, ठीक है टॉलरेंस एजेंट से। सो कैसे भी मतलब यही इंपॉर्टेंट थिंग है कन्वर्जन की गाइस, कि आप कैसे भी रिएक्शंस को तोड़ मरोड़ के वहां पे लाना है ना, पर वो सही प्रोसेस के थ्रू आए पहली चीज, एकदम सही प्रोसेस के थ्रू आनी चाहिए वो चीज, ठीक है। सो बच्चों यही है आज के लिए, आई विल मीट यू एट 5 PM, ठीक है आई विल मीट यू एट 5 PM विद मोर इंटरेस्टिंग सेशन जो अपन करते हुए आ रहे हैं, आज होगा मैशअप भी, ठीक है मैशअप के साथ मिलने वाले हैं अपन 5 PM पे, ठीक है सो गेट रेडी वी विल मीट एट दैट टाइम, दिस इज प्लीज अंडरस्टूड एंड प्लीज यू जस्ट गो थ्रू दीज रिएक्शंस प्रॉपरली इन अ प्रॉपर मैनर, तो आपके लिए अच्छा होगा आप प्रॉपरली अगर इन रिएक्शंस को देखेंगे और पढ़ेंगे तो, ठीक है गाइज ओके थैंक यू ऑल बाय एवरीवन।